मैं इस वक्त मौजूद हूँ नांगी सब्जी मंडी के बाहर, जहाँ कचरे के ढेर और बदबू ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। आइए जानते हैं लोगों से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये कचरा मंडी का ऐसा मंडी के अंदर से आता है, उसको कचरे को उठाने वाले आते हैं लेकिन 15-20 दिन बाद आते हैं। हमारे से रोजाना ये 70 रुपए फीठिया लेते हैं, सफाई के 70 रुपए। हम कहना चाहेंगे कि ये अगर हमसे 70 रुपए वसूल करते हैं तो ये सफाई भी होनी चाहिए। असा फलाया भाई, असा रोज दे पैसे देने 80 रुपया साढ़े तो लैके जाने के असा सफाई करासा भराऊ। अगो असा पता करान ना करान, असा मजदूरदार बंदे असा ना चुप करके रेहड़ियां लानियां तो लाओ नहीं तो पट्टो। भाई असा बीमार साढ़े गुरदे फेफड़े हर शाह फारक हो पे भराऊ, असा राती घर जाने अद्धी अद्धी राती तक नींदर नहीं पैनी इस मुश्किल की वजह। एहतजाज भाई किया 2-3 बंदा का किया तो आने रेहड़ी पट लो तुसा, होर के हो सकता इस तो वड्डा हल कोई नहीं है भराऊ। नहीं असा किसी कोल भी नहीं गए भराऊ, इतने बस सदर नाल गल की आना चवाल है, असा इधरों चवाना कोई नहीं तो उधरों रोज चीज जाना। सदर है ही ना नायक काला साहब, इस वक्त नहीं है सवेरे उस सुन दे सुबह टाइम आवने, इस टाइम सुतो सी ए सी ला के करमा ले इतो के कर सी मंडी गर्मी च। सर ये मंडी के अंदर से आता है कचरा? नहीं सर, ये आते हैं 15-20 दिन के बाद बस ऐसे ही कचरा फेंक के बल्दिया वाले नहीं आते हैं। सर डेली बेस पे आते हैं, ये कचरा देखो आपके सामने ही पड़ा है, इधर इतनी बदबू होती है ना, रोज़ का 100 रुपया 80 रुपया लेते हैं, लेकिन रोड के बाहर भी रेडी खड़े कर फिर भी लेके जाते हैं लेकिन कचरा नहीं उठाते हैं। सर आला काम से नहीं, हम उनके साथ कोई रबता नहीं है, बस हम आते हैं इधर काम, सुबह काम के लिए आते हैं शाम को चले जाते हैं। बस बल्दिया वाले आते हैं बोलते कचरा क्यों नहीं उठाते, बोलता है बस ऐसे ही बोलते हैं उठाएगा, हफ्ते बाद नहीं आते, महीना 20 दिन 15 दिन 20 दिन बाद आते हैं। बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ये बस इधर से थोड़ा कचरा उठाना चाहिए, बदबू बहुत आती है। सर ये जितने भी मंडी वाले होते हैं ना, ये जिनका वो घास फूस या कोई भी चीज़ होती है ना जो फ्रूट से निकलता है वो यहाँ पे फेंकते हैं, ये अंदर मंडी के अंदर से आता है। जी सर वो कमेटी वाले होते हैं वो पर डे 80 रुपया तकरीबन लेते हैं फीरेड, ये सामने आपको जितनी नज़र आती हैं सारे से लेते हैं, लेकिन ये पर डे साफ़ नहीं करते, कभी हफ्ते के बाद आते हैं कभी 20 दिन के बाद ऐसे करके। और अगर आप देखें ना ये पिछले दिन गर्मियों के थे इस कदर मच्छर था कि यहाँ से जो बंदा घुरता था ना वो ऐसे ऊपर कोई चीज़ रख के कपड़ा वगैरह रख के जाता था, और स्मेल इस कदर होती है कि खड़ा नहीं होया जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, रसीद वगैरह नहीं देते। जी सर हमसे पैसे तो लेते हैं, रसीद वगैरह कुछ भी नहीं होता। जी सर, सर हम तो कहते हैं लेकिन वो कहते हैं बात करेंगे तो ऐसा यानी कि वो यही बोल के जाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ ना बात की हो या ये साफ़ हुआ हो, यानी कि अगर ये प्रॉपर साफ़ हो ना तो ये ज़रा माहौल बन जाता है। कभी कभी कस्टमर आते हैं तो वो ना यानी कि स्मेल की वजह से चले जाते हैं कि ये स्मेल वगैरह होती है तो नहीं रुकते, ये चीज़ होती है सर। ऐसा है कि ये इधर ये नांगी सब्ज़ी मंडी ये सारा कचरा इधर हमारे पीछे फेंकते हैं, इधर ये हमारे ऊपर घर हैं तो इधर फिर वो आग जला देते हैं तो सारी रात फिर वो धुआं उठता रहता है और बच्चों की सेहतें पे सिद्धों पर असर पड़ता है। तो काइंडली जहाँ तक मेरी आवाज़ अगर कोई बंदा सुन रहा है तो वो इस पर कोई एक्शन ले और ये इधर कचरा ना फेंका करें। और ये नाले में कचरा फेंकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बारिशें होती हैं तो वही सारा आगे ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, एक दफ़ा तो पता है ब्लॉकेज से वो पुली की पुली बह गई थी। ठीक है, तो ये ना काइंडली ना नाले में कचरा फेंका करें तो ना उसके साइड पे कचरा फेंकते हैं, स्मेल धुआं बदबू कोई पूछने वाला नहीं है। हम बल्दिया से ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी थोड़ी सी आंखें खोलें और इस पे थोड़ी सी ना हमारा साथ दें। यहाँ पे बहुत बदबू है, यहाँ पे खेल नहीं सकते, कचरा भी है, यहाँ पर लोग कचरा फेंकते हैं जिसकी वजह से हम बाहर खेल भी नहीं सकते। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ से कचरा जल्द से जल्द उठाया जाए और हम बाहर खेल सकें। यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहलकार यहाँ सिर्फ पैसे वसूल करने आते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहलकार अपने फ़राइज़ ऐसे तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारान को चाहिए कि इस मामले का जल्द से जल्द नोटिस लेते हुए इस मामले को फौरी हल करें। कैमरामैन अमजद मुनीर के साथ सलमान फारूक, रोज़ न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर।